जानते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपने जो 600 करोड़ रुपया दिल्ली के लिए दिया था, अपनी भाजपा की नगर निगम और अपने पार्षदों को दिया था, आपको भी पता है जब नगर निगम में जनता में जाकर हम पूछते हैं कि यहाँ 3 बार झाड़ू लगता है, यहाँ कूड़ा उठता है, यहाँ गंदगी है या नहीं, तो सब कहते हैं कोई झाड़ू नहीं लगता, गंदगी है, पूरी बीमारियां फैलती हैं, बदबू है। अभी मैं नाले की हालत भी देखकर आई हूँ जहां से मैं अपनी गाड़ी खड़ी की, ये हालात है। 10 सालों में भाजपा की सरकार, 600 करोड़ रुपया मोदी जी को समझ आ गया कि मेरे खुद के भाजपा की नगर निगम और उसके पार्षद जो है वो भी भ्रष्टाचार में खा गए। इसलिए मोदी जी आपको मजबूर होना पड़ा अपने चुनावों के दौरान आती है, क्यों? अब भाजपा ही कहते हैं नरेंद्र मोदी जी की तो तारीफ होनी चाहिए कि उन्हें पता था उनके भाजपा के पार्षदों ने और 10 साल से भाजपा की नगर निगम सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, स्वच्छ भारत का 600 करोड़ भी खा गए। मोदी जी की तो तारीफ होनी चाहिए, भाजपा भक्त कहते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचारियों की टिकटें काट दी और नए चेहरे दे दिए। मुझे यह आपसे पूछना चाहूंगी, क्या टिकट काटना काफी है या इन भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजकर इनसे सारी 600 करोड़ की वसूली होनी चाहिए? मोदी जी सलाम तो तब करेंगे जब आप अपने एक एक भ्रष्ट पार्षद जिसको आप कर रहे हैं, इसलिए आपको मुफ्त जो है वो पानी की शुरुआत में 176 करोड़ का हमें मुनाफा, चुनाव नहीं लड़ने। मुझे बहुत हैरानी थी, आपने वार्ड की जिम्मेदारी निभाई, अपने बाहर 206 की जिम्मेदारी निभा रहा था, सभी काम कर रहा था हमारा भाई के साथ मिलकर, फिर पार्टी ने मुझे स्नैक समझा जो आपके बीच लाके खड़ा किया और आम आदमी पार्टी से मुझे कैंडिडेट बनाया। दोस्तों हम एमसीडी में आने के बाद इंशाल्लाह ये मैं वादा करता हूँ, अगर आपने जिता के भेजा तो जितनी भी लाइटों की स्ट्रीट लाइट की परेशानी है वो ज्यादा से ज्यादा उन गलियों का अंधेरा दूर किया जाएगा जहां पर लाइट नहीं है। दूसरा काम, जो जितनी भी मेन रोड हमारी मेन मार्केट है उनमें वोटिंग कराएं और आप मुझे यहाँ से जिता के भेजे, झाड़ू वाला बटन दबाए आने वाली 23 तारीख को। हमने ताले नहीं बोला कि बदल गया जमाना, हाँ मुझे मालूम है कि बदल गया जमाना और मेरी जिंदगी है तुम सबसे, कहीं तुम बदल न जाना, मेरी जिंदगी है तुम नहीं लड़ने। मुझे बहुत हैरानी थी, हर कदम में एक भोपुर ऑटो चल रहा है और पूरे देश के नेता यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे नहीं समझ आता यहाँ है क्या है। लेकिन आम आदमी के हमारे अब्दुल वासिफ भाई को क्यों वोट दें?